অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের স্বামী বলেছিলেন জোর করে কোনো কাজ হয় না, এই সরকার চলবে না। আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোর্সফুলি কোই কাম নেহি হোতা, কাম হোতা হয় দিল সে, কাম করনে কে লিয়ে মেহনত করনা চাইয়ে, কাম করনে কে লিয়ে জাননা ভি জরুরত হ্যায়। হামারা দেশ মে বহুত সারে এক্সপার্টস লোক হ্যায়। আব পহলে দেখো না, जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है उसको हस्बैंड क्या बोला, एक घर में नहीं चल सकता है। अगर आपका खुद घर से आवाज़ आ रहा है तो हम क्या करें? हम ये नहीं कहे कि झूठ बोले कौवा काटे, एक गवर्नमेंट जो वाद सपोर्ट लेने के लिए आप जा रहा है ये देश के लिए कोई हित का बात नहीं है, ये देश का लोकतंत्र को और भी वीक करेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं मोदी हारा, मीन्स उसको जो इंटेंशन 2/3 मेजोरिटी का था, उन्होंने सिंगल मेजोरिटी भी नहीं मिला, उसको आसपास में गया ही नहीं, तो कैसे बिल पास करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे करेंगे विदाउट 2/3 मेजोरिटी? और बातों बातों पे जो भी मर्जी बिल कर लेना, जितना भी बिल किया है लास्ट टाइम किसी को साथ डिस्कशन नहीं किया, चर्चा नहीं किया, जानबूझ के जस्ट पास। डिक्टेटरशिप का भी एक लक्ष्मण रेखा होता है, वो भी नहीं है। आज पूरा विश्व में एक चर्चा हो रहा है कि बीजेपी जो एट्रोसिटीज किया है, इट इज एट्रोसस टेरेबल, जितना जल्दी ये लोग घर वापस जाए इतना ठीक है। और हम ये लेने की जुमला तो बहुत है, वो पेपर भी साबित करता है, लगता है वो काम पे लगा है, थोड़ा तो टाइम लगेगा इसको, पेपर झुमला पेपर उसको क्लियर करने के लिए। इसी के लिए मैं सॉरी, हम ये जो गवर्नमेंट पूरा अनडेमोक्रेटिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली गवर्नमेंट बना रहे हैं, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमका शुभकामना देश के लिए रहेगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। हम एमपी लोगों को रिक्वेस्ट करने चाहेंगे, जो भी पार्टी है आपका, आपका पार्टी को मजबूत बनाओ। ये तो फिर कोशिश कर दिया ना, इसको पार्टी तोड़ो उसको पार्टी तोड़ो। अभी बीजेपी को समझना है कि इसको पार्टी तोड़ना अच्छा काम मत करो, पहले आपका पार्टी तोड़ जाएगा। हमने नहीं तोड़ेंगे, आपका अंदर से ही जाएगा। आपका अंदर का सब आदमी खुश नहीं है, ये हम दिख रहा है। मेरे को यही बात कहने था, मैंने आज मीटिंग हुआ इसी के लिए मैं सोचा कि आप लोग को 2-4 बात कहे, इसी के लिए मैंने कहा।